स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईटीआई के जो एग्जामिनेशन 2024 में हुए थे, आप सभी के यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल जारी हो चुके हैं। आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखेंगे कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। बट वीडियो को सभी तक पहुँचाने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको आईटीआई की पढ़ाई के साथ साथ आईटीआई की जॉब अप्रेंटिसशिप एंड उससे जुड़ी जितनी अपडेट होंगी सब आपको मिलती रहेगी। साथ में आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई चैनल है या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं डायरेक्ट। तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, देखिए यहाँ आप लॉगिन वाले सेक्शन पे आएंगे, जहाँ से आप रिजल्ट चेक कर रहे थे आपको उसी पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से लॉगिन पेज ओपन होगा। अब आप अगर फर्स्ट ईयर से हैं तब भी आप यहाँ अपना रोल नंबर का आगे का 00 हटा के आप PRN नंबर इंटर करेंगे, और सेकेंड ईयर में तब भी आपको वही इंटर करना है, और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। तो चलिए इंटर कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इंटर किया अब यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपकी प्रोफाइल जो है इस तरह ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको आना है व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ जो डॉट बनी है, तीन लाइन बनी है, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हमने व्यू रिजल्ट पे क्लिक किया, यहाँ आपका देखिए रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। उससे अब आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, यहाँ आप करेंगे तो आपको पूरी आपकी मार्कशीट दिख जाएगी जहाँ से आप अपना रिजल्ट देख रहे थे। अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है, ट्रेनिंग डिटेल में क्लिक करना है। जैसे आप ट्रेनिंग डिटेल में क्लिक करेंगे आपके ट्रेनिंग की यहाँ डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी, और यहाँ आप साइड में जब आएंगे सबसे लास्ट में आपको यहाँ देखिए तीन डॉट का निशान दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ आ रहा है डाउनलोड मार्कशीट, अगला आ रहा है डाउनलोड सर्टिफिकेट। ये फर्स्ट ईयर है, वन ईयर ट्रेड जिनका है आप इस तरह से मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका टू ईयर ट्रेड है और उनका अभी फर्स्ट ईयर है, सिर्फ फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए, उनकी सिर्फ मार्कशीट डाउनलोड होगी, सर्टिफिकेट जब आप फाइनल पास हो जाएंगे सेकेंड ईयर तब डाउनलोड होगी। और जिनका सेकेंड ईयर है उनकी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आना चाहिए, यानी जिनका 2022 में एडमिशन हुआ था उनका भी। तो पहले यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं दोनों चीज़ें और आपको दिखाते हैं। इस तरह से यहाँ आपको मार्कशीट दिख जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका पास 600 में 560 नंबर से, यहाँ पे टोटल आपको यहाँ रिजल्ट ओवरऑल दिख जाएगा। डेट ऑफ प्रिंटिंग लिख रहा है यहाँ पे 23 सितंबर, डेट ऑफ रिजल्ट क्या लिख रहा है 15 सितंबर, यानी 15 सितंबर को आपका रिजल्ट आ गया था। तो जो भी फॉर्म आया और 15 सितंबर के बाद उसमें पासिंग मांगा जाए, आप अपना डेट हमेशा पासिंग याद रखिए ये भरेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। इसको आप जब डाउनलोड करेंगे डेट ऑफ प्रिंटिंग यही आएगा, ठीक है, मतलब डेट बदलता रहेगा, बट रिजल्ट डेट आपका क्या है 15 सितंबर 2024 है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्टिफिकेट। तो आप सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट डाउनलोड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका सर्टिफिकेट जिसमें आपको प्रॉपर दिख जाएगा आपका रिजल्ट। जो डेट है यहाँ पे 23 सितंबर लिख रहा है, लेकिन जो आपकी रिजल्ट डेट रहेगी वो क्या रहेगी, जो आपके मार्कशीट में वही रहेगा। सेशन आपका क्या रहेगा, अगस्त 2023 से, यहाँ पे रिजल्ट डेट आपका क्या रहा, सितंबर 2024 जब रिजल्ट आया उसको यहाँ पे माना गया, मतलब एक साल आपका यहाँ पे पूरा हो रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट डेट आपका मार्कशीट पे है, सर्टिफिकेट पे आपका रिजल्ट डेट नहीं रहेगा। और इसमें अब कुछ करेक्शन है तो उसकी भी बात करेंगे कि आप लोग अपना करेक्शन कैसे करा सकते हैं। इस तरीके से आप वन ईयर यानी फर्स्ट ईयर का आप लोग अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरीके से आप फर्स्ट ईयर का कर सकते हैं। अब आइए सेकेंड ईयर का देखते हैं कि सेकेंड ईयर में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे नहीं अभी अवेलेबल हो पा रही हैं। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं यानी आपने फाइनल एग्जाम दिया इलेक्ट्रीशियन या फिटर ट्रेड से आप हैं, तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तरीका आपका भी यही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले स्किल इंडिया डिजिटल आपको ओपन कर लेना है, यहाँ आपको क्लिक करना है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, आईटीआई रिजल्ट 2024 पे आपको क्लिक करना है, यहाँ अपना PRN नंबर सेकेंड ईयर का एंटर करेंगे। सेकेंड ईयर की हमने प्रोफाइल ओपन कर ली, इसी तीन डॉट पे क्लिक करेंगे, ट्रेनी डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ट्रेनी डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा ट्रेनी का डिटेल, यहाँ आप आएंगे देखिए यहाँ सिर्फ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, अभी यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आया। इसका क्या मतलब हो सकता है आपका, अगर ऐसे आता है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इनका जो रिजल्ट है अभी वो या तो पास नहीं है इसमें किसी सब्जेक्ट में, देखिए पास है फिर भी इनका भी जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी नहीं हुआ, मींस यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेकेंड ईयर के अभी नहीं निकल रही है। कुछ कैंडिडेट्स की निकल रही है, कुछ कैंडिडेट्स का भी यहाँ पे जो सेकेंड ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं उनका भी यहाँ पे नहीं जारी हुआ है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यही है, इसका मतलब है कि या तो इनका फर्स्ट ईयर में बैक होगा इस वजह से नहीं आया, या फिर इनका अभी जारी नहीं हुआ है। कोई और लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ सेकेंड ईयर हमने 8 से 10 कैंडिडेट का देखा, बट अभी तक उसमें जो है यहाँ पे आप आ रहे हैं जब, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिख रहा है, या तो कुछ केस में हम देखा कि यहाँ पे मार्कशीट कंसोलिडेटेड मार्कशीट डाउनलोड करने का ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन सर्टिफिकेट का ऑप्शन अभी तक नहीं आ रहा है। कुछ में प्रोफाइल ग्रीवेंस करने का ऑप्शन आ रहा है लेकिन उसमें कुछ अभी नीचे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट नहीं होता क्या आपको करेक्ट कराना है। तो ये सारी चीज़ें अभी जो हैं इस पर पेंडिंग है, वो पोर्टल पे धीरे धीरे अपडेट हो रही हैं,
इतना आप समझ लीजिए, जो 1 ईयर के ट्रेड हैं यानी जैसे वेल्डर, प्लम्बर, जो 1 साल के ही होते हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या क्या मिलेगा, सिर्फ आपको मार्कशीट मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा। जो 2 ईयर्स के ट्रेड हैं उसमें जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स हैं उनका सिर्फ मार्कशीट मिलेगा, और जो सेकेंड ईयर यानी फाइनल कैंडिडेट्स हैं उनका कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में एक ही मार्कशीट रहता है, लेकिन सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मिला के कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलता है, तो वो आपको मिलने वाला है यहाँ से। बट अभी वो अपडेट नहीं हुआ है, बहुत जल्द प्रोफाइल पे आप सभी के अपडेट हो जाएगा, तो आप लोग भी इसी तरीके से उसको डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करके आप लोग आसानी से उसको रख सकते हैं। वही आपका ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट है, आप सभी तरीके के फॉर्म भर सकते हैं, सब तरीके की तैयारी कर सकते हैं जो भी आपके ट्रेड से रिलेटेड आएगी वैकेंसी। बाकी प्रोफाइल ग्रीवेंस जैसे स्टार्ट होता है कुछ चीज़ें उसमें शो होती हैं भरने के लिए, तो आपको उसका भी हम अपडेट दे देंगे, जिससे आप लोग अपना चीज़ें जो हो, जो नाम में मिस्टेक हो, डेट ऑफ बर्थ में या कुछ भी चीज़ में मिस्टेक हो फोटो वगैरह में, उसे आप एटलीस्ट करेक्ट करा पाएंगे। जिनकी फ़ोटो नहीं थी एडमिट कार्ड पर, उनका अभी ये मार्कशीट या सर्टिफिकेट होल्ड पे है, वो बाद में जारी होगा जब आपका फ़ोटो अपडेट हो जाएगा, अगर ऐसा पेंडिंग होगा तो। जिनकी फ़ीस पेंडिंग है उनका यहाँ पे फ़ीस पे करने का ऑप्शन शो करेगा लॉगिन करने पे, वो फ़ीस पे करेंगे तब उनका रिजल्ट दिखेगा और फिर वो अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें फेस करनी पड़ सकती हैं। जो भी आप फेस कर रहे हो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपने डाउनलोड कर लिया सक्सेसफुली तो वो भी बताइएगा, नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम क्या आ रही वो भी आप बताइएगा, उन सब पे हम एक आपका प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे। थैंक यू।